हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक करूंगा जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो पावर्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होंगी और वो नीचे वालों को बहुत कम या ना के बराबर पावर पास करेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो टॉप लेवल के बंदे बैठे होते हैं सारी पावर्स उन्हीं के हाथ में होती है। तो सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं इसको, इट मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। बेसिकली जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं उन्हीं के हाथ में ये सारी पावर्स होती हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि जो टॉप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे बैठे होते हैं सिर्फ उन्हीं के हाथ में पावर होगी और नीचे वालों के हाथ में या कम या ना के बराबर पावर्स होंगी, उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब इसके फीचर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट हायर लेवल। जो भी हायर लेवल पे बंदे बैठे हैं, जो टॉप लेवल पे कंपनी के मालिक वगैरह, उन्हीं के पास सारी पावर होती है। नंबर टू, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिटेन्स मैक्सिमम अथॉरिटी। फिर से वही बात कि जो टॉप लेवल है उसी के पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। क्या पता नीचे वालों के पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी हो, मगर मैक्सिमम अथॉरिटी, जो सारी की सारी पावर है, वो टॉप लेवल पे जो बंदे बैठे हैं कंपनी के मालिक सीईओ वगैरह उन्हीं के हाथ में होती है। थर्ड, सूटेबल फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जो है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 15-20 इंप्लॉइज हों उनके लिए तो ठीक रहती है, मगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं रहती। क्योंकि अगर 1,000-2,000 इंप्लॉइज होंगे तो हर एक इंप्लॉय के पास जाकर उसको काम कैसे बताएंगे? वो तो फिर पागल हो जाएंगे ना, खुद ही जो सुपीरियर्स हैं। इसलिए वो नीचे पावर दे देते हैं जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जो आने वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है, मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन। जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास पावर नहीं होती। पावर किसके पास होती है? जो मैनेजर्स के भी ऊपर बैठे हैं उनके पास। तो जो नीचे काम करने वाले हैं उनके पास ना के बराबर पावर होती है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।